नंबर आपका? राजेश कुमार राय है। राजी, क्या घटना हुआ है यहाँ पर अचानक? यहाँ पे आधे घंटे पहले साइबर कैफे में किसी ने गोली चला दिया है। अच्छा, वो अर्जुन है, इनके मालिक के ऊपर, सतीश राय के ऊपर। अच्छा, घायल गोली कहाँ गए वो लोग? बताया जा रहा है कि ये मनोज सिन्हा खास सुधार किसके सुधार है? मनोज सिन्हा जी। अच्छा, ये लोग देवतीपुर के हैं। हाँ। और इनके डायरेक्ट रिश्तेदार वो लोग हैं, होता कि बनारस में वो आ भी जाएंगे। अच्छा, ऐसी घटना है, वो आ भी सकते हैं। इनके बड़े भाई डीसी राय प्रोफेसर आपके चीफ डॉक्टर वो इस समय तो इसलिए लग गया लोग। अच्छा, अच्छी मतलब फैमिली बिलोंग करते लोग हैं। क्या लगता है गोली चलाने के विवाद क्या? ये हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है। क्या गोली की आवाज़ नहीं? क्यों आवाज़ नहीं आई पहले से? कोई रंजीश कोई लड़का तो ऐसा नहीं है कि रंजीश रंजीश हो, लड़का बहुत ही सीधा वाला लड़का है। इसमें कैमरा इनके दुकान में नहीं लगा था, दुकान पे ही बैठे थे ना? हाँ, दुकान अंदर क्लिप वो करना पड़ेगा। सर, किसकी मृत्यु हुई अभी पता चल पाया है कि गोली लगी है? क्योंकि सतीश राय थे, इनको आज किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है कंधे पे गोली मारी थी। इनका हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है मृत्यु होने की सूचना है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है, उनके परिजनों से जानकारी की जा रही है। कोई रंजिश या झगड़ा के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। इसमें और गहराई से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई चल की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह अभी आसपास का कलेक्ट किया जा रहा है और उम्मीद है जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। तो गोली चलने की आवाज़ नहीं है, साइलेंसर की बात कही जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे ज़्यादातर लोग जो है हॉस्पिटल गए हैं, तो अलग से सबसे बात करके जो है चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और जल्दी ही इसको वर्कआउट किया जाएगा। इनका प्रथम दृष्टया वजह क्या लग रही है? कुछ अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। अभी बात करने से उनके परिवार वालों ने भी अभी कोई ऐसी बात नहीं बताई है। हो सकता है उनको जानकारी ना हो, सब परिवार में आपस में बात करके या जानकारी करके कुछ और चीज़ें बताएंगे तो उसको डेवलप करके कार्रवाई करेंगे। जिनको गोली लगी उनकी स्थिति अभी क्या बनी हुई है? अभी उसके बारे में सूचना आपको जल्दी ही बता देंगे।